हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो हम फिलहाल आ चुके हैं ये माटी, और ये माटी आ गई और हम लोग घर में अपना सब्जी जितना तोड़ना था वो तोड़ लिए और खाना पीना बना के खा पी के और आ गए। और अभी हम फिलहाल ये देखेगा इसको ना गया लंगटा टू वापस बैक, विजय बैक। तो इसी के लिए चांग बनाने हम लोग आ चुके हैं। और क्या बोलते हैं, चांग मारा एक साइड का, वो साइड का अभी खुटी मारना है। खुटी मारने मतलब ऐसा टाइप में खुटी मारना है, बस रह गया था। तो वो अभी जाते हैं मारते हैं, और उसके बाद विजय बीने का कहाँ गया, विजय बीने का चांग, और हम और अभिषेक ये पुचकू मत सोचिए, बहुत खतरनाक है। और उसके बाद अभी हम मैंने ये विजय चांग बनाएगा और हम अभिषेक दवाई मारेगा, क्योंकि इधर थोड़ा हावी हो चुका है। देखिए आप लोगों को हरा हरा दिखाई दे रहा होगा, इधर हरा हरा है और इधर सूखा। तो इसे अभी हम लोग मारेंगे दवाई। तो हम लोग का टंकी दवा सब आ चुका है, तो फिलहाल पहले क्या बोलते हैं उधर खुटी मार लेते हैं, उसके बाद तब तक विजय बीनेगा। और ये देखिएगा इस हम लोग का टंकी, दो टंकी आ चुका है, दवाई भी आ चुका है, दवाई सवाई टंकी सब आ चुका है। और इधर रस्सी भी है, रस्सी इतना सारा रस्सी लेके आया है, सारा ख़त्म करना है विजय को आज। और ये लौका फिर से लेके आ गई, लेके आए लौका का पूरा धमाका मचाएंगे, माने इतना लौका पूरा लाव कर देंगे एकदम। तो अभी फिलहाल करते वो चांग उसके बाद खुटी मार लेते हैं, उसके बाद दवा मारते हैं। ये हम लोग बांस गिरा चुके हैं और उसके बाद ये खुट्टी सब रख चुके हैं। अब इस पे उठा के सारा कान पे उठा, इसको हम लोग बोलते हैं कान, इस कान पे उठा के सारा बांस को ठोक के इसके बाद हम लोग का चांग बिनने सिस्टम शुरू। और ये मंडप फिर से हम तार का बनाए हैं गाइस, पूरा का पूरा तार है, और सिर्फ ये साइडिंग का बांस है, ये साइड बांस और वो साइड बांस, आप लोग को दूर तक देखिए वहाँ तक चांग है। और ये सारा तार दे चुके हैं, और तार में ऐसा करके फोल्डिंग करने में बैंड बज गया था मेरा, क्योंकि फोल्ड करने का टाइम में विजय नहीं था। तो हम और अभिषेक करते करते हालत ख़राब हो गया, देखिएगा इसका ये बैंड कट के ऐसा लगाने में पूरा हालत ख़राब हो जाता है। और ये सब सारा दरी सफ़ा कर दिया, और इसी में हावी मारना है। हम लोग का पटल भी जम हो चुका है, लग चुका है। तो ये है पटल का नया बाड़ी, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा लंबा है जो पटल का बाड़ी है। और फिलहाल पूरा पटल अभी तक नहीं लगाया, अभी कुछ गाछ है जो मैंने हम लोग का उसका अलुआ जो अलुआ होता है वो लगाया था, वो अभी तक नहीं लगा है। और जो गाछ का सास लगा दिया था उखाड़ के, वो लग चुका है, खुटी गाड़ के ख़त्म। और अब शुरू होगा चांग बिनना, और अभी थोड़ा धूप भी निकल गया, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से उसके बाद चांग बिनने शुरू करेंगे। और उसके बाद दवाई तो मारना ही है, दवाई तो थोड़ा बाद में मारेंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गया इसीलिए। और बस बिनना, कितना सुकून लग रहा है, बस अब बिनना है। तो 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग का मंडप हो जाएगा तैयार, और हम पहुँच गए ठंडा में। तो अभी करते हैं रेस्ट। गाइस देखिए तितली कितना मज़ा से मेरे पाँव पे बैठ रहे, वाह। तो गाइस इसमें दवा डाल दिया, पूरा हरा हरा हो चुका है, हरा वाला गमेक्सिन डाल के हरा हरा हो गया। अभी चलते हैं दवाई मारने। तो आधा दवा मारा और उसके बाद ट्रैक्टर आ गया, तो दवा मारने छोड़ के उधर ट्रैक्टर जोताना, इधर किधर किधर जोतना है वो बताने लगा। और ये भी थोड़ा सा बिन दिया है, और ये देखिएगा इस पूरा प्लॉट हम लोग का जोता चुका है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं जोता चुका है, हल मारा चुका है। तो एक मिनट हम आपको लोगों को पूरा फुल प्लॉट दिखाते हैं जोताया हुआ, और उधर जोता ही रहा है। ये देखिए पूरा सारा का सारा प्लॉट, पूरा यहाँ इतना जंगल था, सब जोता गया, पूरा वहाँ तक सारा जोता गया, और उधर अभी मारा ही रहा है। हम उस पर नहीं बैठे, क्योंकि उस पर जो मर्चा लगा था, मर्चा का जो ढेपी हो जाता है, माटी ढाला हुआ किनारे पूरा गोल करके, उस पर ट्रैक्टर जब चक्का उठते ढाप 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 ऊपर नीचे बढ़ा के पूरा कमर दर्द हो रहा था। हम वहाँ से भाग के आ गया, बोला नहीं हम नहीं बैठेगा, हम खाना खाने जा रहे हैं, बोल के बहाना मार के आ गया। अभी सोच रहे एक रील शूट करे, तो अभी उसी का कभी तो ट्रैक्टर चलाया तो है नहीं, तो आज सोच रहे आज फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर भी चलाए और एक रील्स भी बना ले, जो आप लोगों को अगर बनाए तो अगर हम बनाया और वो रील्स तो आप लोगों को इंस्टाग्राम में मिल जाएगा देखने को, रील्स उसी का बहाने फर्स्ट टाइम इन लाइफ ट्रैक्टर ड्राइव हो जाएगा। तो देखते हैं आज पहली बार ट्रैक्टर चला के, मगर एक बहुत खराबी है ट्रैक्टर में, क्या पूरा कमर ऐसा दर्द देता है, अभी वहाँ से ना मत एकदम सुकून मिल रहा है, पूरा कमर में ढाक ढाप ऊपर ऐसे ढाप 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 हो रहा था। और ये प्लस ये टांगा फान बोलते हैं,
जो नीचे चक्का लगा रहता है वो वाला फांगे, तो इसको राउंड मारने में थोड़ा तकलीफ रहते है, और दूसरा फांग होने से तो उठा के राउंड मारो फिर जोतो। और इसमें वैसा नहीं है, इसमें उठाने वाला सिस्टम नहीं है, फांग इसमें उठता नहीं है, फांग में दो चक्का लगा रहता है, चक्का गिराएगा तब आगे जाएगा और चक्का उठा के जोताएगा, तो जोतने का समय चक्का उठा रहता है, फिर तो गिरा उठाओ तो ऐसा नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट जोताते रहते हैं। और ये थक गया है, बैठा हुआ है, ये इतना इतना कितना 20 टू ऐसा सूत ताना है, यहाँ से लेकर वहाँ से लेकर वहाँ से लेकर वहाँ तक 20 टू सिर्फ सूत ताना है। और क्या ही बोले, अब ये चांग बनाने में तो ये हिसाब से कम एक दिन में इतना, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, छः दिन, सात, इसको एक हफ्ता लगेगा पूरा ऐसा चांग बनाने में, जो ये स्पीड से बना रहा है चांग, कम से कम एक हफ्ता लगेगा, और एक हफ्ता में मेरा डांगबड़ी पूरा ख़त्म हो जाएगा। वाह, तो फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर जोत के एकदम, मैंने हल ट्रैक्टर से हल जोत के मज़ा आ गया गाइस, एकदम क्या ही बोले, एक मैंने लग ही नहीं रहा था कि मैं ट्रैक्टर चला रहे, वैसे एकदम स्मूथ ट्रैक्टर था। वाह, आगे जब हमको एहसास होता कि इतना ज़्यादा स्मूथ है तो हम पहले से ये कर लेते, क्या बोलते हैं, पहले से जोत देते पूरा एक चास, क्योंकि दो चास कराया था तो एक चास हम खुद ही कर लेते। और फिलहाल आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं, ब्लॉग भी यहीं से शुरू होगा और ख़त्म भी आज यहीं होगा, क्योंकि अभी हमें जाना है घर और 10 किलोमीटर राउंड मार के जाना है, और बाइक और लगभग अंधेरा भी होने वाला है, तो इसलिए हम चलते हैं। आपसे फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे और हमें आगे देखते रहे। बाय बाय।